जब पॉजिटिव रिपोर्ट आई तो गवर्नमेंट वाले मुझे, गवर्नमेंट से प्राइमरी हेल्थ सेकेंडरी वालों ने फ़ोन किया कि जी हम आपको लेने आ रहे हैं। तो जब वो, मैंने कहा जी ठीक है आप आ जाएं, उस वक्त घर के एक कमरे में मैं बंद हो गया। तो अब जब मैं कमरे में बंद था तो मुझे अपनी छोटी बेटियां नज़र आ रही थी, कि क्योंकि मेरी वाइफ हाल ही दिनों में, कुछ ही दिन पहले फोत हुई थी, कैंसर की वो पेशेंट थी। तो उसके बाद अब बेटियां थी पीछे, उनको देखने वाला भी कोई नहीं था, लेकिन दूसरी तरफ मुझे मेरी बीमारी नज़र आ रही थी, और बीमारी भी ऐसी नज़र आ रही थी कि जिसको अगर पता चले कि कोरोना हो गया तो समझ लें उसकी आधी डेथ उसी वक्त हो जाती है जब उसको ये पता चलता कि मुझे कोरोना का जो टेस्ट है वो पॉजिटिव आ गया। मेरे डॉक्टर ने जब मुझे डायग्नोस किया कि मेरा कोरोना है, तो उसने मुझे कहा कि आपने रोज़ाना आना है और आके अपना इलाज जो है वो करवाते रहना है। तो मैंने एक पोर्शन में अपने आप को आइसोलेट किया। तो इवन मेरी वालदा आती थी ऊपर, तो मैं उनके साथ एक दो मरतबा सख्त भी बोला, क्योंकि ये ऐसी एक बीमारी है जिसमें मुझे काफ़ी सीवियर अटैक हुआ। और मैं आपको अगर बताऊं तो मैं थोड़ा सा यूज्ड टू हूँ वॉक का और जॉगिंग का, तो मुझे ब्रीदिंग प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हुआ। तो मैं एक इस बीमारी के साथ साथ एक साइकी इफेक्ट था कि यार मैं कहीं इसको ट्रांसमिट ना कर दूं अपनी फैमिली में, या अब जहां मैं क्लिनिक में जा रहा हूं उसमें लोगों में। तो रात 12 एक बजे मुझे वो क्वारंटीनिया में एक्सपो सेंटर में शिफ्ट किया उन्होंने। अब जब मैं वहाँ पर चला गया तो बस मेरे घर से तो मैं बड़ा ठीक ठाक गया। जब वहाँ पे पहुँचा तो वहाँ पे जाके जब मैंने लोगों को देखा, कुछ एक दो बॉडीज़ पड़ी हुई थी वहाँ पे साथ वाले बेड्स के ऊपर, तो जहाँ पे मैं था वहाँ पे कुछ लोग बेहतर थे, कुछ एक दो बुज़ुर्ग थे वो भी खांस रहे थे, लेकिन मुझे ऐसी कोई मसला तो नहीं था उस वक्त। एक चौथे दिन मुझे एक डॉक्टर चेक करने आया, तो उसने मेरा नाम लिखा, तो मुझे पूछा जी कहाँ से आए हैं, आपको क्या क्या सिम्टम्स हैं, कोई खांसी है, कोई फ्लू है, कोई इस तरह का रेशा वगैरह। मैंने उनको कहा मुझे कुछ भी नहीं है, लेकिन जब उन्होंने बताया तो उन्होंने कहा जी हम आपका 6 दिन बाद टेस्ट करेंगे, उससे पहले आपको कोई दवाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मैंने कहा अगर मुझे कुछ सिम्टम्स हैं तो मुझे कोई दवाई दें, ताकि मैं यहाँ पे बैठा हूँ। मेरा बीपी का मसला भी था साथ, मेरा बीपी ऊपर सोच के ऊपर जाना शुरू हो गया, और मैं मज़ीद दिन ब दिन परेशानी में जाता रहा था। डॉक्टर खालिद हैं, ये गुरु मांगड़ रोड पर बैठते हैं, और उनका बेटा है अबूज़र, मैं कहूँगा ये फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं। इन्होंने जिस तरह से इस इलाके के इस तरह के पेशेंट्स को ट्रीट किया है, क्योंकि हॉस्पिटल जो हैं वो आपके फुल हो चुके थे, उनमें जगह नहीं थी, बेड नहीं थे, लेकिन ये इतने ब्रेव लोग हैं, ये फ्रंट लाइन सोल्जर्स, बड़ा अच्छा नाम दिया गया है। इवन वो सेचुरेशन चेक करते हैं, अगर आपको पता हो ऑक्सीजन का सेचुरेशन लेवल चेक करते हैं, वो मेरा हाथ पकड़ के सेचुरेशन लेवल चेक कर रहे थे मेरे डॉक्टर फिजिशियन डॉक्टर अबूज़र एंड डॉक्टर खालिद। तो ये मेरे लिए बड़ी इनकरेजिंग बात थी कि उन्होंने मुझे डिमोरलाइज़ नहीं किया, मुझे भगाया नहीं हॉस्पिटल्स की तरफ, उन्होंने मुझे खुद ट्रीट किया, सजेस्ट किया। और उनके पैरामेडिकल स्टाफ नर्सेज वगैरह, क्योंकि बुखार बहुत ज़्यादा होता है इसमें 104 के नज़दीक बुखार था, तो इसमें मुझे एंटीबायोटिक्स बुखार के लिए लगती रही हैं। तो नर्सेज को भी पता होता था कि ये कोरोना पेशेंट ही है, लेकिन मैंने नहीं देखा कि उन्होंने थोड़ा सा भी कोई हेजिटेट किया हो मुझे ट्रीट करने में। बहरहाल वो दिन गुजरते गए, 6 दिन बाद उन्होंने मेरा टेस्ट किया, टेस्ट फिर पॉजिटिव आ गया। जब पॉजिटिव आया तो फिर मैं और ज़्यादा परेशान हो गया कि यार ये तो मेरे साथ वही हो रहा है कि अब मैं नहीं बचूंगा। अब जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे वो ऐसे ही लग रहा था कि जैसे मैंने अब वापस नहीं जाना, क्योंकि कोरोना जो नाम है ना ये मुझे मारी जा रहा था। जब मैं देख रहा था मेरे सामने लोग मर रहे थे, कोई उनकी बॉडी उठाने वाला नहीं आता था वहाँ से, 2 दिन तो बॉडी वहीं पर पड़ी रहती थी। अगर कोई आ जाता था बंदे तो वो भी ऐसे बॉडी को उठाते थे कि जैसे कोई अछूत की बीमारी लगी हुई है। देखिए एहतियात और डिस्कस्टिंग बिहेवियर में एक बहुत थिन लाइन है, लोगों ने उसको थोड़ा सा क्रॉस किया जब मैं रिकवर होके सोसाइटी में गया। हालांकि मैं जब सोसाइटी में मिक्स हुआ तो उससे पहले मैंने डॉक्टर से अपने कंसल्ट किया, तो डॉक्टर ने मुझे ग्रीन सिग्नल दिया, तो उसके बाद अपनी फैमिली और सोसाइटी में मैंने मिलना शुरू किया। कुछ लोगों को पता था कि मुझे कोरोना है, लेकिन बड़े ही सेंसिबल लोग, अच्छे लोग, प्रोफेशनल लोग, लेकिन उनका बिहेवियर बहुत डिस्कस्टिंग था। एहतियात एक अच्छी चीज़ है,
कोरोना के पेशेंट जब रिकवर होकर वापस आता है तो उसमें एहतियात अच्छी चीज़ है। मतलब इवन कुछ लोगों ने मुझे इतना भी कहा कि यार आप अपनी चेयर लेके कहानी थोड़ा सा साइड पे बैठ जाएं। तो मैंने उनको थोड़ा सा डिस्क्राइब करने की कोशिश भी की कि भाई जो 14 डेज हैं वो आपका डेंजर डेज हैं। अगर 14 डेज एक पेशेंट गुजार लेता है तो ही इज़ अनएबल टू ट्रांसमिट द वायरस। लेकिन शायद अवेयरनेस की कमी है लोगों में या क्या है, तो लोगों का ओवरऑल बिहेवियर जो है कोरोना पेशेंट के साथ ऐसा ही होता है। मेरे एक दो और कोलीग्स हैं उनके साथ भी ये सेम एक्सपीरियंस रहा। तो इस चीज़ को अवेयर लोगों में अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है कि कोरोना रिकवर्ड पेशेंट जो है ही इज़ अनएबल टू ट्रांसमिट द वायरस। ठीक है, एहतियात आप लाजमी करें लेकिन उसको इतना डिस्गस्टिंग बिहेवियर ना दें कि जिससे वो डिमोरलाइज हो। जब मैंने अपने घर में बात करनी, अपने घर वालों से बातचीत करनी, तो उनसे उन्होंने मुझे बताया कि मोहल्ले वालों का रवैया ऐसा है कि जैसे वो घर जो है ना वो एक सील कर दिया गवर्नमेंट ने और उस घर के पास से भी कोई नहीं गुजरेगा। यानी कि वो घर में ऐसे है जैसे कोई बहुत बड़ी बीमारी लग गई है कि जिसको टच करने से भी कोरोना हो जाएगा। गली से गुजरता नहीं था कोई। यहाँ तक के जो करियाने वाले हैं उन्होंने हमें घर का राशन पानी देना बंद कर दिया। मेडिसिन वाले जो जनरल स्टोर करीबी था हमारा, उन्होंने दवाई देना बंद कर दी। अब जो घर में खवातीन थी वो फिर निकलती थी, वो बड़ी दूर घर से कोई 1-2 किलोमीटर बाहर जाती थी, वहाँ से जाके फिर मेडिसिन खरीद के वो घर लेके आती थी अपने बच्चों के लिए। मेरे बच्चों के लिए भी मेडिसिन जाती थी, वो भी बीमार हो गए पीछे। ऐसे लोग बिहेवियर कर रहे थे कि जैसे कि कोरोना जो है ना वो बस एक बंदे को अगर हो गया ना तो ये पूरा मोहल्ला उसकी जद में आ जाएगा, और वो हमें ऐसे हकारत की नज़र से देखते थे कि पता नहीं क्या हो गया। बड़ी मुश्किल से हमने वो टाइम पीरियड ख़त्म किया, कुछ 14-15-20 दिन मुझे वहाँ पे गुजर गए। तो मैंने होम आइसोलेशन का डिसाइड किया कि मैं होम आइसोलेशन पे घर चला जाता हूँ, क्योंकि वहाँ पे मेरी हालत मज़ीद बिगड़ती जा रही थी। जब घर में मैं आया 20 दिन बाद, तो मैं अपनी गली में जब आया तो लोगों ने, यहाँ तक कि जो मुझे बड़े करीबी जो मेरे दोस्त थे उन्होंने मुझे देखा दूर से, जो मेरे पास आते थे मेरे से गले मिलते थे उन्होंने दूर से मुझे देख के अपने दरवाजे घर के बंद करे कि खावर गली में आ गया। तो वो मुझे देख रहा है बंदा, मैं उसे देख रहा हूँ कि यार, मैंने उसको हेलो वेव्स किया कि यार क्या हाल है ठीक हो, उसने मेरी वेव्स का भी जवाब नहीं दिया और उसने उसी वक्त दरवाज़ा बंद कर दिया। इस तरह के मोहल्लेदार रवैया कर रहे थे, बड़ी अजीब सी नज़रों से देखते थे कि यार ये बंदा वापस आ गया है, अब गली के अंदर क्या होगा, ये गली में खड़ा होगा तो बड़ा ये कहीं हमें भी कोरोना ना लगा दे। इस तरह के हमारे साथ वो सारे चलते रहे वाकयात। तो बस मैं ये कहूँगा कि यार एक थिन लाइन है प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने में, कॉशियस होने में और डिस्गस्टिंग बिहेवियर दिखाने में कोरोना रिकवर्ड पेशेंट या कोरोना पेशेंट के साथ। थोड़ा सा लोगों को अवेयर होने की ज़रूरत है कि आप कोरोना रिकवर्ड पेशेंट से जो है वो डिस्गस्टिंग बिहेवियर ना करें। एहतियात मैं भी कर रहा हूँ, इवन मैं जब डॉक्टर से अपना चेकअप करवाने जाता था तो मैं देखता था यार मैं एक डिस्टेंस पे रहूं। ज़्यादा बुज़ुर्ग हैं या बच्चे हैं या औरतें कोई भी है, मैं एक डिस्टेंस पे खुद भी रहता था, मैं खुद एहतियात बहुत ज़्यादा किया मैंने। लेकिन ये है कि इस चीज़ को देखने की ज़रूरत है, अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है कि कोरोना रिकवर्ड जो है वो रिस्क पे है दूसरे लोगों से, रादर देन कि वो दूसरों के लिए रिस्क है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो WHO और सारे डॉक्टर्स हमारे ये चीज़ें बता रहे हैं। देखिए, बाहर के मुल्कों में अगर किसी को कोरोना, आप देखें इटली में और अमेरिका में, जापान में, चीन में, वहाँ पे भी लोगों को कोरोना हुआ, लेकिन वहाँ पे क्या करते हैं, डॉक्टर आता है अपने पेशेंट को देखता है और उसको हौसला देता है, उसके कंधे पे हाथ रखता है, उसको गले से लगाता है कि यार तुम ठीक हो जाओगे, तुम्हें कुछ मसला नहीं हुआ, ये चंद दिन की बीमारी है, तुम खुशबाश रहो, हंसो, किसी परेशानी की तरफ मत जाओ। लेकिन यहाँ पे तो पाकिस्तान में सारा कुछ उल्टा है। यहाँ पे डॉक्टर आता है तो आपसे 20 फुट दूर हो के वो ऐसे बात करता है, ज़ोर ज़ोर से चीखता है, तेने कुछ हो याद है नहीं, कि डॉक्टर भी हमारे करीब आने से डर रहा है। और बाहर के मुल्कों में अगर उन्होंने अपने पेशेंटों को ठीक किया है, उनकी तादाद आज ज़्यादा ठीक होने वालों में इसलिए है कि उन्होंने पेशेंट को अपना बड़ा करीबी से करीब से जाके देखा और उनकी हौसला अफजाई की, उनके गली मोहल्लों वालों ने उनकी हौसला अफजाई की, उनको खुशामदीद कहा। जब वो घर से वापस गए, मुबारकें देते हैं वो लोग कि यार हमारा पेशेंट अब वापस आ गया 14 दिन बाद क्वारंटीनिया से वापस आ गया। यहाँ पाकिस्तान में उल्टा है सारा कुछ। यहाँ पे अगर कोई बंदा कोरोना का पेशेंट हो गया है तो समझ लो वो बंदा गया,